समलैंगिक शादी करने के लिए किशोर का किया अपहरण। मामला थाना कुआरसी के बेगमबाग इलाके का है। बताया जा रहा है कि गिरिराज किशोर का 16 वर्षीय पुत्र जय सैनी थ्री डॉट्स सीनियर स्कूल में इंटर का छात्र है। फेसबुक पर जय सैनी की दोस्ती पीलीभीत के रहने वाले शारिक से हो गई थी। दोनों के बीच फेसबुक पर दोस्ती के बाद मोबाइल पर बातें होने लगी। करीब एक महीने से दोनों की बातें चल रही थी। परिजनों के अनुसार शारिक अपने मोबाइल से किशोर के मोबाइल पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले मैसेज भेजता था। युवक से समलैंगिक विवाह करने के भी मैसेज भेजता था। बताया जा रहा है कि शारिक अलीगढ़ में रामघाट रोड स्थित एक होटल में 27 और 28 मई की रात रुका था और वहां पर किशोर को बुलाया। किशोर ने घर से 3 बैग अपने साथ लिए और होटल चला गया, जिसमें 60,000 रुपए, कपड़े, सोने की चैन, अंगूठी और शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित कई सामान थे। किशोर के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और बरगलाने के साथ ही उसका अपहरण किया गया है। पुलिस ने मामले में किशोर को बरामद करने और पूरी घटना का खुलासा करने के लिए 2 टीमें लगा दी है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फेसबुक के द्वारा या किस तरीके से जुड़ा है? हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ा है। इसका फ्रेंड अभी तो हुआ है। बच्चा आपका कहाँ पढ़ता है, किस क्लास में है? सिलेटस स्कूल में पढ़ता है, सीनियर थिंग में। इंटर कर रहा है? हाँ, इंटर के एग्जाम दी। बरेली गया था क्या वो? हाँ, बरेली नीट का फॉर्म भरा था, उसके उसने ऑप्शन भी इसीलिए डाला था क्योंकि वो लड़का वहाँ पढ़ता था। उसने आपको नहीं बताया कुछ ऐसे? नहीं, नीट ये नहीं बताया, ऑप्शन क्या डाला जब बाद में मालूम पड़ा। तो आपको कैसे पता चला है ये? और रात को ना क्या नाम है, एक बार मैं ऊपर गया तो 1:30 बजे फोन पर बात कर रहा था उससे। क्या कह रहा था, क्या सुन रहा? जब मैं गया तो उसने फोन कर दिया, मैंने मिलाया दोबारा तो उसने थोड़ी सी बात करी, देखा मैं बोल रहा हूँ पापा उसका, फिर उसने फोन कर दिया, फिर उसने दोबारा कहीं फोन नहीं मिला। किस पे सके? शाकिर जो है पीलीभीत बरेली का। अच्छा, मैसेज की बात आ रही है, कैसे कैसे मैसेज है? मैसेज की बात तो ऐसे मैसेज थे सर, मन डाइवर्ट करने वाले थे, उसके बड़े बेस्ट मैसेज थे, माइंड वॉश करने वाले, माइंड वॉश करने वाले मैसेज। देखिए, जय सैनी नाम, जय सैनी नाम का बच्चा बेगमबाग का नाबालिग बच्चा है और उसको जबरन ये धर्म परिवर्तन करने के लिए शारिक नाम का लड़का और उसमें कई लोग शामिल है और हमारे अलीगढ़ में ये गिरोह चल रहा है, एक चैनल चल रहा है के खतने कराओ, मुसलमान बनाओ, दूसरी चीज लड़कियों को भगा के ले जाओ और उनके साथ निकाह करो। जिस दिन ये हत्थे पड़ गए, अभी तो हम इनकी तलाश जारी है, कानून काम कर रहा है, हम लोग अनुशासन प्रिय हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो इन दबंगों की चलने दी जाएगी और ना इन दबंगों की चलने देंगे। ये सोच रहे सपा की सरकार, इनकी मानसिकता, इनकी सोच अभी तक नहीं बदली है। या तो ये होश में आ जाएं और नहीं होश में आएंगे तो इन्हें इतना खदेड़ेंगे कि ये भूल जाएंगे कि कैसे मुसलमान मनाया जाता है और कैसे जबरन हमारी हिंदू बेटियों के साथ निकाह किया जाता है। इन लोगों ने इतना मक्कारीपन, इतना हरामीपन कर रखा है जिसकी सारी सीमाएं तोड़ दी है। कोई अभियान चलाएंगे क्या इनके खिलाफ? अभियान चलाएंगे, अभी पता, पूरा चैनल अभी हम लगे हुए हैं, पूरा हमारा लोग लगे हुए इस चैनल को जानने में कि इसमें कौन कौन शामिल है। और जिस दिन पता लग गया तो ये खैर मना ले अपनी, इन्हें बचाए से नहीं बचेंगे ये, कि किस तरीके से कौन सी जगह और किसके घर में घुसे और कहां जाए और कहां बचे। मैडम, ये क्या हिंदू बच्चे को बरगलाया जा रहा है? अरे हिंदू बच्चा जो नाबालिग बच्चा है, अरे बड़े शर्म की बात है जालमो, तुम नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो, उनके साथ अवैध संबंध बना रहे हो और उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हो। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? इनमें ढूंढा जा रहा है कि कौन कौन इनमें शामिल है और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसमें अलीगढ़ के लोग भी शामिल है जो इस तरीके का चैनल चला रहे हैं।